जिनके पैर नहीं है उन्हें कृत्रिम पैर देना, जरूरतमंदों को श्रवण यंत्र देना, विकलांगों को ट्राईसाइकिल देकर उनकी आजीविका की समस्या का समाधान करना मुझे बहुत संतुष्टि देता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे अनुसार विकलांगों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। आधार संस्था एवं वेकोली के सहयोग से जरूरतमंद विद्यार्थियों को शॉर्ट मोड से श्रवण यंत्र वितरित किए गए। यह कार्यक्रम धनवटी कॉलेज के मातोश्री विमलाताई देशमुख हॉल में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस अवसर पर वेकोली के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयप्रकाश द्विवेदी, एस्पायर नॉलेज एंड स्किल इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर धनवटी नेशनल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गांधी, मंच पर प्रशांत कोठे, एकीकृत क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास और विकलांगता अधिकारिता केंद्र सीआरसी के निदेशक प्रफुल्ल शिंदे, आधार संगठन के अध्यक्ष सुमित टेटे उपस्थित थे। इस अवसर पर नायरा चाचा ने स्वयं महाजन, युग चोरकर, अंजलि सहारे, मीनाक्षी बघेल को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। गडकरी द्वारा श्रवण यंत्र दिए गए। गडकरी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में 4% से ज्यादा दिव्यांग लोग हैं। मैं वह सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ जिसकी सभी को आवश्यकता है। अब तक 40,000 दिव्यांगों को सामग्री वितरित की जा चुकी है। इसी कॉलेज मैदान में लगे शिविर में करीब 80 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर दिए गए हैं। उन बच्चों को बुलेट चलाते और फुटबॉल खेलते हुए देखकर खुशी हुई है। न केवल नागपुर बल्कि पूरे विदर्भ में विकलांग लोगों की एक सूची बनाए या अपील न करें कि हम उन्हें उनकी जरूरत की सामग्री देंगे। आयोजकों को गडकरी उन्होंने कमल टॉकी चौक पर निर्माणाधीन डायग्नोसिस सेंटर के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में सीटी स्कैन, एमआरआई और पैथोलॉजी समेत सभी जांचें बेहद कम कीमत पर की जाएंगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। Glanza, go hatchin', go awesome.